Let's learn and earn from your home. Learning with earning. Then elements क्या होते हैं copywriting के जो हम SEO के लिए करते हैं अब साइट की स्पीड मैटर करती है लाइक ऐसा होता है कि आप अगर कोई भी साइट खोलते हो फर्स्ट के लिए आपने कोई चीज देखनी है आपने वो साइट खोली है वो लोड होने में टाइम ले रही है मतलब काफी ज्यादा टाइम ले रही है तो मैंने जाहिर सी बात है उसे छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाना मैंने वेट नहीं करना कि भाई ये खुलेगी तो मैं करूंगी कि भाई ये मैं इसका वेट करूँ यहाँ बैठ के मैंने ऐसा नहीं करना मैंने उसको कट कर देना मैंने कहा ये तो बहुत टाइम ले रही है मैं नेक्स्ट पे चली जाऊंगी तो ये होता है अब अगर कंटेंट वहाँ पे उस साइट पे बहुत अच्छा भी प्लेस हुआ हुआ हो तो भी मैंने जाके उसको चेक नहीं करना मैंने उसके लिए वेट नहीं करना क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं मैंने अगर कोई चीज़ सर्च करनी है और मुझे काफ़ी सारी साइट्स पे देखनी है वो स्पेसिफिक चीज़ लाइक अगर मैं कोई चीज़ खरीदने के लिए सर्च कर रही हूँ तो मैं काफ़ी सारे वेब पेजेस खोलूँगी उसमें से जो लोड नहीं हो रहे होंगे मैं उनको छोड़ूंगी आगे चली जाऊँगी तो इस तरह से होता है तो अगर साइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो उस कंटेंट का जो भी आपने उस पर डाला हुआ है वो मैटर नहीं करता आपकी साइट जो है वो रैंक नहीं हो सकती ठीक है और मतलब अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट डाल दिया है और मतलब आप कह रहे हैं कि भाई इस कंटेंट की वजह से मेरे पास बहुत ट्रैफिक आने वाली है और नहीं आ रही आपने कीवर्ड्स भी बहुत अच्छे डाल दिए आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर उसका ठीक रखा हुआ है कीवर्ड जो स्टफिंग की वो बिल्कुल ठीक है नॉर्मल है डेंसिटी सही रखी हुई है फिर भी ट्रैफिक नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही क्योंकि आप उस पेज को लोड करके देखो कि अगर वो पेज मतलब 3 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में तो यकीनन उस पर ट्रैफिक नहीं आएगी क्योंकि लोग उसे सर्च तो करेंगे लेकिन उसको ओपन भी करेंगे लेकिन जब वो टाइम लेगा तो फिर वो कहेंगे कि ठीक है ओके फिर आप इतना टाइम ले रहे हो तो फिर मैं तो नेक्स्ट पेज चला जाता हूँ तो इस तरह का सीन होता है तो इसलिए ये चीज बहुत मैटर करती है देन उसके बाद हेडलाइन अच्छा ऐसा होता है अगर आपका कंटेंट बीच में बहुत अच्छा लिखा हुआ हो तो ये वही बात आ जाती है कि अगर आपको खाना मतलब कहीं सर्व किया जाए उसकी प्रेजेंटेशन या उसकी जो भी सीन हो वो अच्छा ना हो तो आप उस खाने को खाना पसंद नहीं करोगे बेशक वो जितना भी टेस्टी हो आपको नहीं पता आपने बस उसको देखा है आपको उसकी लुक अच्छी नहीं लगी कहते हैं बस रह दो मेरा नहीं दिल कर रहा है इसको खाने का और यही चीज अगर आपको बहुत अच्छा मतलब एक स्टाइल से उसको डेकोरेट करके आपको एक डिश दी गई है तो आप उसको खाना पसंद करोगे अगर उसका मतलब बहुत अच्छा टेस्ट नहीं भी है नॉर्मल भी है तो भी आप उसको खा लोगे क्योंकि आपको अच्छा लगेगा कहते हैं कुछ इस तरह की एग्जांपल है आई डोंट नो एग्जैक्टली कि खाने से पहले मतलब चखने से पहले आंखें उसको देखती हैं और आंखें चखती हैं समथिंग लाइक दैट सो ऐसा होता है कि आप जब उसको हेडलाइन देते हो जो हेडलाइन है मतलब टाइटल है वो सबसे मेन चीज होती है कि कोई उसको पढ़ेगा उसको अगर इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो आपकी साइट खोलेगा बेशक आगे कंटेंट तभी आपको उसका एक क्लिक मिल जाएगा ठीक है तो फिर उसके बाद अब उनको वो पसंद आ गई हेडलाइन देन उसके बाद वो आगे कंटेंट को देखेंगे जो भी आप लोगों ने नीचे टाइटल देके रखा हुआ ठीक है अब ये एक फैक्ट है कि आजकल जो है मतलब कह लें कि जो कंटेंट लिखा जाता है वो अगर उनमें कोई नंबर हो फर्स्ट करें जैसे नंबर इस तरह का है कि 10 things to do this और 10 tips to do this ये चीजें बहुत मैटर कर रही हैं आजकल मतलब ये नंबरिंग वाली पोस्ट जो है बहुत ज्यादा शेयर की जा रही हैं ठीक है लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि यहाँ पर ये अब एक हबस्पॉट है उसका है तो उस पर उन्होंने नंबर यूज किया हुआ है और उसके इन्होंने देखें कि शेयर्स बहुत ज्यादा हैं ट्विटर के शेयर्स बहुत ज्यादा हैं तो ये सब डिपेंड कर रहा है कि उनके इनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं ठीक है मतलब नंबर्स है इनके टाइटल में अब ये एक हेडलाइन तो मतलब यूजर फ्रेंडली और इस तरह की हेडलाइंस बनाई है कि बिजनेस के लिए आप इस तरह करेंगे देखेंगे और मतलब जैसे 10 workout secrets for women ये मतलब लोग पढ़ना पसंद करेंगे उनको मतलब क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि भाई 10 ऐसी क्या चीजें हैं या 5 ऐसी क्या चीजें हैं तो लोग नंबरिंग वाले आर्टिकल्स
जिनकी हेडिंग नंबरिंग वाली होती है वो बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं. तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग नंबरिंग यूज करें आर्टिकल्स में, उसके टाइटल में, और फिर मतलब 10 वर्कआउट सीक्रेट्स हैं तो नीचे 10 वर्कआउट सीक्रेट्स ही होने चाहिए, यानी कि ऊपर 10 वर्कआउट सीक्रेट्स लिखे हुए और नीचे सब कुछ और है. तो इस तरह का सीन नहीं करना होता, ठीक है. देन उसके बाद कंटेंट आ जाता है. अब हेडलाइन भी हमने देख ली, बाकी भी अब कंटेंट आ जाएगा. कंटेंट बिल्कुल जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट ही मैटर करता है. कंटेंट में होगा तो फिर गूगल से रैंक भी करेगा. अच्छा, अब क्या होता है कि भाई कंटेंट में लोग बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यूज कर देते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलता. ये बिल्कुल मतलब एक गलत बात है या गलत चीज़ है कि आप सोचो कि भाई मैंने कीवर्ड लिया है, उस कीवर्ड को इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया और मैं फिर बैठ के समझ रही हूँ कि नहीं भाई मेरा आर्टिकल तो बहुत ज़्यादा रैंक करने वाला है. तो ऐसा नहीं होता. ऐसा होता है कि आपको एक मतलब गूगल भी उस चीज़ को रैंक नहीं करता जिसमें आपने बहुत ज़्यादा स्टफिंग की हुई हो, उस आर्टिकल को रैंक करता वो. तो इस तरह से होता है बहुत सारी चीज़ें जो तो इस तरह से आपने प्लेस किया है, किस तरह से उसका मतलब कहने के देखने कैसा लग रहा है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसी हुई है, ये सारी चीज़ें सब देखते हैं. अगर कोई बंदा एसईओ का आर्टिकल लिख के दो और मतलब मुझे इस तरह से लिख के दो कि मेरी जो ये आर्टिकल है, और मतलब आप मुझे 10 आर्टिकल लिख दो तो मेरी साइट रैंक कर जाए, तो आपने उसे अपनी तरफ से बहुत अच्छा सा आर्टिकल मतलब कितने लिख के दिए, अच्छे लिख दिए, बट उसकी साइट पे रैंकिंग नहीं आ रही, तो वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. आप उसको कह सकते हो कि भाई ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, या मैंने कीवर्ड सही प्लेस नहीं किए हुए, या कीवर्ड डेंसिटी मैंने सही नहीं रखी हुई. तो ये इन चीज़ों पे नहीं होता, और बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें जो मैटर करते हैं. जैसे आप उससे ये कह सकते हो कि अपनी साइट को चेक करें कि कितनी देर में लोड होती है, ये एक फैक्टर है. अगर उसकी साइट ही सही नहीं लोड हो रही, मतलब बहुत टाइम लगा रही है, तो लोग नहीं आएंगे. फिर और भी बहुत सारी रीजंस होती हैं जो उसको ट्रैफिक नहीं आ रही है. तो इस तरह से अब आपने कंटेंट तो अच्छा लिख के दे दिया लेकिन उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप उसे बता सकते हो आप नहीं यार नहीं मैंने अच्छा नहीं लिखा और ये वो. असल में हमारा मसला ये होता है सबसे ज्यादा कि हम लोग बहुत जल्दी खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं. ऐसा मैंने देखा है, लाइक अगर मैं किसी से कंटेंट लिखवा हूँ और मैं कहूँ कि मुझे लिख के दो और उसने लिखा और मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला जो मैं चाहती थी, अगर मैं उससे कहूँ यार ये अच्छा नहीं था, अब मुझे तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो अगर उससे मतलब मुझसे कहने के बजाय कि नहीं आप मैंने तो अपनी तरफ से परफेक्ट लिखा है. असल में हम लोगों को डाउट्स बहुत रहते हैं खुद पे, अपने जो भी मतलब कहने के जो भी स्किल्स होते हैं, और ये बहुत मेन फैक्टर है, मैंने बहुत देखा है ये. तो इसका ये होता है कि हम फिर खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई नहीं यार मैंने सही नहीं लिखा होगा, मैंने कोई गलती की होगी, नहीं यार क्यों गलती की होगी, जब एक चीज आती है, एक चीज आप लिख रहे हो, उसी चीज का आपको दूसरी जगह पे रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन एक जगह पे नहीं मिल रहा, तो आप खुद करने लग जाओगे नहीं मेरा मेरी गलती है और किसी की गलती नहीं है, और फिर इस तरह की सारी चीजें, ठीक है. तो ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है कि आप खुद को ब्लेम करते हो, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना. अगर आप लोग लिखने भी लगो